गया। अरे बढ़िया, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स 5:35 इन द मॉर्निंग, आई थिंक सो 5:36। सो हम लोग आज जा रहे हैं, मेरा पहला राइड है एक्चुअली, तो जा रहे हैं अपना चारोटी घाट। और आई थिंक सो टेम्परेचर भी मेरे को लग रहा है हिसाब से 20 होगा, क्योंकि अभी इतनी ठंडी नहीं है। अभी जब तक मुंबई के आउटस्कर्ट्स में नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी ठंडी है बाहर, क्योंकि हमेशा 5 डिग्री कम होता है मुंबई के ड्यू टू पोल्यूशन। सो गाइस, वी हैव टच द हाईवे राइट नाउ एंड इट्स 5:50 आई थिंक सो, एंड वी हैव बीन राइडिंग एट दिस स्पीड ऑफ 60। फिलहाल तो मैं ये चीज़ कह सकता हूँ यार, बहुत ठंडी है। 6:15 तक पहुँच सकते हैं। और ये मतलब मेरा पहला मोटो ब्लॉग है, तो यार ज़्यादा मतलब मेरे को तो माइक का भी थोड़ा इशू लग रहा है, तो मैं माइक भी चेंज कराऊंगा। इनफैक्ट मेरा अभी नींद भी खुल गया अच्छे से, एज इन मैं प्रायर 4:30 को उठा था, एंड 4:30 को उठने के बाद अभी ये चीज़ है कि अच्छा खासा मतलब हो गया यार, मतलब एकदम ताज़ा हो गया हूँ मैं अभी। बस बहुत ठंडी है यार, आई हैव टू कैच अप द स्पीड। आगे हमारे साथ प्रफुल भाई हैं, व्रज के बड़े भाई, और इनफैक्ट हमें व्रज भी कैचअप करने वाला है। तो व्रज भी कैचअप करेगा तो यार मोटो व्लॉग में मज़े आएंगे, मोटो व्लॉग भी होगा और व्लॉगिंग भी होगी इसमें थोड़ी बहुत। एक्चुअली पहली बार है थोड़ा मेरा ट्रिप, तो मैं ट्राई करूँगा कि पहले अपने ट्रिप पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि जब तक ये सब चीज़ मेरे लिए ईजी ना हो जाए तब तक मेरे को ऐसे ही चलाना पड़ेगा। चलो फिर अपन व्रज के साथ मतलब कैमरा के सामने मिलते हैं और फिर बातें करते हैं। सो राइट नाउ वी आर एट बोरीवली। अगर अनवित तू देख रहा है, ये तेरा एरिया है। थोड़ा सा आगे, हाँ मुझे रास्ता याद है अभी। अगर तेरे को लग रहा होगा कि रास्ता याद नहीं है, लेकिन हाँ रास्ता याद है, तो दिस इज़ इट। अभी व्रज को हम लोग टाटा पावर के पास से लेने वाले हैं, तो टाटा पावर उसके लिए पास पड़ेगा, हमारे लिए भी पास पड़ेगा, तो हम लोग वहाँ से उठा लेंगे उसको। काश यार अनवित तू भी आ पाता, अनवित आता तो और मज़ा आता सच्ची में। अनवित की भी बाइक आने वाली थोड़ी दिनों में, नाम तो रिवील नहीं करूँगा, लेकिन ही लव्स बुलेट, तो रॉयल एनफील्ड ही आ रही है, तो उसका भी वीडियो आने वाला। अनवित के मज़े हैं, मेरे भी मज़े हैं, जब दोस्त साथ में होते हैं तब मज़े आते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं हो पाए, मेरे सब्सक्राइबर्स में से भी बहुत लोगों को आने का मन था, लेकिन किसी का कुछ बाइक का इशू हो गया था, किसी का फैमिली का आउटिंग था, तो फैमिली के साथ आउटिंग के लिए वो लोग रुक गए थे। सो राइट नाउ वी आर एट मीरा रोड। ओके ठीक है, मीरा रोड के पेट्रोल पंप पे हम लोग, और हमारे साथ कौन है देखो, व्रजदी पटेल, दी व्रजदी पटेल। तो अभी अपन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तीसरा पर्सन का हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे दिया। इनफैक्ट अभी सुबह भी होने वाली है, और डैशबोर्ड देख के तो यार धनों से सबको प्यार ही हो जाता है। तो लेट्स गो, आगे चलते हैं। यहाँ पे रुके रुके थोड़े ना मोटो व्लॉग होते रहेगा। तो भाइयों और बहनों, अब हम एनरोट हो चुके हैं, एनरोट मतलब ENROUTE, और अब हम जा रहे हैं चारोटी घाट। चारोटी घाट सेक्शन एक्चुअली अलग छोटा इजी टाइप ऑफ घाट है। ओ तेरी भैंस की जे। तो प्रफुल भाई भी पीछे से आ रहे हैं अपने को, क्या अपन ग्रुप वाले लोग हैं तो अपन किसी को भी आगे पीछे नहीं छोड़ते, तो ऐसा सीन्स है। और यार मतलब अभी फॉग वाले कंडीशंस में हम लोग जाने वाले थोड़े टाइम में, एक्चुअली ठंडा हो रहा है धीरे धीरे अभी तो। हाँ जैसे कि आप लोगों को आवाज़ आ रहा होगा इनलाइन 4 का, आगे हमारे जो गाड़ी है लाल कलर की उसके आगे डेटोना है, और यार क्या सेक्सी वॉइस है इसका एक्चुअली में। हाँ 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 हाँ, दीज आर द बाइक्स आई कांट अफोर्ड एक्चुअली, बिकॉज इनका जो पेट्रोल कॉस्टिंग होता है, लोगों को लगता है यार स्पोर्ट्स बाइक ले ली ठीक है, लेकिन उसके बाद जो पेट्रोल कॉस्टिंग होता है ना यार, उसमें लोगों के जेब ढीले हो जाते हैं एक्चुअली में, क्योंकि आप इस चीज़ को सिटी में चला ही नहीं सकते थोड़ा सा भी। सीन्स ऐसे हैं, बाइक के लिए नो कॉस्ट मतलब कड़क बाइक है यार, मतलब मैं कुछ ऐसा बुरा नहीं कहना चाहूँगा, कहना क्या,
बेस्ट। अरे यार क्या ठंडी बढ़ गई यार अचानक से, जैसे माउंटेन सेक्शन में घुसा यार, मतलब ठंडी ऐसी बढ़ती है। अपन अभी एक्चुअली है फाउंटेन होटल के पास में, दी फेमस फाउंटेन होटल फॉर दी बाइकर्स जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं और फोकट का गाली देना शुरू कर देते हैं। ओ भाई साहब क्या ठंडा लग रहा है यार, अरे ठंडी है, अरे ठंडी। अरे भाई यार अचानक से 15 डिग्री ड्रॉप हुआ है भाई साहब, इतना ठंडी। मेरे को एक्चुअली एंटी फॉग स्प्रे लेना पड़ेगा, मेरे वाइजर पे पूरा फॉग हो गया, जम गया एक्चुअली में ठंडी की वजह से, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है और अंदर जो है हमारा बॉडी टेम्परेचर, उसकी वजह से वाइज़र पे एंटी फॉग मतलब फॉग क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाइज़र के सामने एक्चुअली में कुछ नहीं दिखता है, सब ब्लर हो जाता है, सीन्स ऐसे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे दोपहर को आते ना, अपने को ऑलमोस्ट 2 घंटा लगता है ब्रिज क्रॉस करने। अरे बहुत गर्मी रहता भाई साहब, अभी आते टाइम वही होने वाला है। आता ही है भाई, भाई निकाल लिया। ओ भाई साहब 100 पे है, 100 पे बचा, 100 पे अभी अपन आए हैं वसई। देख क्या निकाला बंदे ने, उसका है 120 था। तो अभी अपन आ चुके हैं विरार टोलनाका, खानीवाड़े टोलनाका, ओके। और भाई साहब हमने कर लिए 100 किलोमीटर पूरे। तो अभी सुबह के बज रहे 7:30 और हम लोग अभी फिलहाल विरार टोलनाका से थोड़ा 10 मीटर आगे रुके हैं और अपना अंडा भुर्जी बन रहा है। प्रफुल भाई है, प्रफुल भाई खा रहे हैं ऑमलेट। सुबह सुबह का राइड कैसा रहा? चुम्बेश्वरी ठंडी। सबसे बेस्ट सब काम किया पप्पू भाई ने कि अपना अच्छा खासा लेदर जैकेट पहन लिया, एसेंशियल। हाँ एसेंशियल है। हम लोग सबसे ज्यादा गलती हम दोनों ने की है, हम लोग ने ठंडे का कपड़ा पहना जिसकी वजह से और ट्रिपल ठंडा लग रहा है। अब बाइक चलाते टाइम हम लोग को ऐसा लग रहा है कि हम लोग 16 डिग्री सेल्सियस बाइक चला रहे हैं। अभी ऐसे सीन्स है, तो थोड़ा अभी फटाफट अपन भुर्जी खाते हैं और अभी अपने को चार रोटी टच करना है 8 या 8:30 बजे तक। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक्चुअली मुझे एक सूचना देनी है कि भाई साहब ठंडी बढ़ गई है इतनी। क्या? मैं कैमरा के लिए बोल रहा हूँ। तो भाई साहब इतनी ठंडी बढ़ गई है कि मतलब अब हम सह नहीं सकते, लेकिन जब आपके साथ हम बाइक राइड कर रहे हैं तो एफर्ट्स तो दिखाने पड़ेंगे। एफर्ट्स दिखाने के बजाय तो मतलब और कुछ तो कर नहीं सकते ना यार। और ये है मतलब चारोटी घाट पहुंचने वाले थोड़े टाइम में। विरार टोलनाका हम लोग ने क्रॉस कर लिया, विरार के आगे का टोलनाका, हम लोग विरार टोलनाका कह रहे हैं उसको। क्या हो गया, निकाला ना? सो गाइस हम लोग आ चुके हैं चारोटी में। क्या हो गया, अरे सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम लोग आ चुके हैं दहानू बीच। और अभी एक्चुअली मेरे ज़्यादा कुछ ऐसे गोप्रो से शूट नहीं कर पाया जब आते टाइम, क्योंकि मेरा गोप्रो का जो बैटरी है पूरा ड्रेन हो चुका था। और मतलब बहुत सारा मज़ा किया मतलब हम लोग ने। भजी बनता है, कैसा लगा, कैसा? मस्त एकदम। पहला राइड था ना, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा कि भाई? बाद में कब? घर जाएंगे तभी। ए भाई अभी कर लेना। अभी अपना ब्रेक टाइम है एक्चुअली, फोर्ट जाने का अभी तक। चल हाँ फोर्ट भी जाना है एक्चुअली, अभी फोर्ट हम लोग को जाना है बाद में, फिर अभी दानू बीच थोड़ा हम लोग रेस्ट करने आए, क्योंकि हम लोग ने जितना किलोमीटर्स का है मुंबई से लेकर चारोटी तक का राइड किया तो एक्चुअली मेरे लिए पहली बार था। तो मैं कह सकता हूँ कि यार एज अ फर्स्ट टाइम मेरे को
बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट उतना टायर्डनेस फील नहीं हुआ, बीच में थोड़ा नींद आ रहा था, लेकिन बाद में जब वाइज़र खोल दे रहा था पूरा नींद ठंडे के वैसे ही उड़ जा रहा था। तो अपना सीन सेट था एकदम अच्छे से, अपना ब्लॉगिंग शॉगिंग हो गया, मोटो ब्लॉगिंग भी हो गया। अभी बैटरी फिर से चार्ज हो चुकी है GoPro की, तो अब सीधा मोटो ब्लॉग पे मिलते हैं। तो ये जो था राइट में, ये धानु फोर्ट था। जैसे आप लोग को व्लॉग में बताया था मैं कि हम लोग फोर्ट जाने वाले हैं। इनफैक्ट अभी ये जो फोर्ट है कोविड सिचुएशंस की वजह से बंद है, ये बहुत सारे लोग फिर इसको विज़िट करने आते हैं इवन फ्रॉम दिस गांव या फिर सिटी कहना चाहिए, सब सिटी कहेंगे क्योंकि ये ना गांव है ना सिटी है, दोनों के बीच का है तो सब सिटी।